ग्वालियर के सेवानगर इलाके में दो गुटों के बीच हुए विवाद के बाद ग्वालियर थाना इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि कर्फ्यू में महिलाओं और बच्चों को छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने हालत नियंत्रण में होने का दावा करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। रविवार सुबह 9 बजे कर्फ्यू की समीक्षा की जाएगी। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से भी हिदायत दी गई है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अफवाह फैलाने पर उसके एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के सेवानगर में दो गुटों के बीच विवाद के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। सेवानगर इलाके में इस पूरे विवाद की शुरुआत शुक्रवार रात उस वक्त हुई जब सेवानगर क्षेत्र में कुछ लोग गाड़ियों के जाम में फंस गए। इन वाहनों में एक पर तेज आवाज में डीजे बजा रहा था, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और दोनों के पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया। रात में किसी तरह से हालात शांत हुए, लेकिन शनिवार दोपहर अफवाहों के चलते एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इलाके में जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया।